दोस्तों आज की कहानी है, ससुर जी आपको घर में रखे हैं यही बहुत है, ज़्यादा उछलो मत। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। ये देखो इन्हें जरा भी चिंता नहीं है, इतनी मेहनत से बना खाना कैसे बर्बाद करने में लगे हैं। थाली में सब्जी बसी हुई देख पारस जी की बहू रीना ताना देती हुई बोली, बहू वह सब्जी में मिर्च ज़्यादा दी तो खाई नहीं गई, थोड़ा मिर्च कम डाला करो, लो अब खाने में भी नखरे हैं। हम भी वही खाना खा रहे, किसी ने शिकायत नहीं करी, जबकि रीना ससुर के खाने में ऊपर से मिर्च डाल देती जिससे वह ज़्यादा खाना ना खाए। पारस जी अपने बेटे के साथ रहते थे, उनकी पत्नी की कुछ समय पहले मृत्यु हो गई थी, जब तक वह थी तो सारा काम वही संभाल लेती। रीना को ज़्यादा काम की आदत नहीं है, उनके जाने के बाद ससुर की पूरी जिम्मेदारी उस पर आ गई। इस बात को कर वह उन्हें ताना मारती रहती, इस कारण पारस जी तनाव में रहते। उनका बेटा अंकित भी अपनी पत्नी के इशारे पर संभलता, एक दो बार उन्हें बताया भी कि बहू इस तरह बात करती हैं, तो उसने उन्हीं को डांट दिया कि आपको घर में रखे हैं यही बहुत है। पारस जी चुप हो गए, अब इस उम्र में कहाँ जाए, अंकित उनकी इकलौती संतान है। आज काफ़ी दिनों बाद पारस जी अपने पैसन के पैसे लेने गए तो रास्ते में उनका पुराना दोस्त मिल गया। नौकरी के समय दोनों बहुत खास थे, फिर रिटायर होने के बाद मिलना कम हो गया, दोनों बैठकर बात करने लगे। पारस जी को तनाव में देख उसने वजह पूछी तो पारस जी बोले, अब क्या बताऊँ, बहू के साथ बेटा भी पराया हो गया, किसी को परवाह नहीं है, ऊपर से ताने अलग सुनने को मिलते हैं और खाना भी ढंग से नसीब नहीं होता। दोस्त बोला, तो तुम इतना सहन क्यों कर रहे हो, तुम्हारी अच्छी खासी पैसन है, मकान भी तुम्हारे नाम है, तो अपने लिए फुल टाइम मेड रख ले जो तेरे काम करेगी। पारस जी बोले, लेकिन पैसन के सारे पैसे तो बेटे को देने पड़ते हैं, कुछ रुपए ही मेरे पास रहते हैं, वह भी दवाई में चले जाते हैं, बेटा कहता है नहीं तो घर से निकाल देगा, अब मैं इस उम्र में कहाँ जाऊँगा, कैसे रहूँगा बेटे के बगैर। दोस्त ने कहा, इसी बात का फायदा बच्चे उठाते हैं, तू कुछ दिन ये करके देख, बेटे को एक रुपया मत देना और निकालने की बात करे तो देख कह देना घर तेरा है, वो निकले। उसकी बात सुन पारस जी का तनाव थोड़ा कम हुआ, पैसे लेकर घर आ गए। शाम को बेटा आया, बोला लाओ पापा पैसे दे दो। पारस जी बोले, अब मैं तुझे एक रुपया भी नहीं दूंगा, अपनी जरूरत का सामान मैं खुद ले आऊँगा और मैं अपने लिए एक मैट भी रख लूँगा जो सारे काम कर देगी, फिर तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। तभी रीना बोली, इस घर में सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी, मैड को पैसे देंगे तो हमारा खर्चा कैसे चलेगा, क्योंकि अंकित की तनख्वाह इतनी नहीं थी, वह तो बाबूजी के पैसे पर ही पल रहा था, इसी वजह से रीना भी साथ में रह रही थी। सास ससुर भी मजबूरी में सुख थे कि चलो बेटा बहू साथ है, उनकी इसी मजबूरी का फायदा दोनों उठा रहे थे। पारस जी बोले, भूलो मत ये घर मेरी मेहनत की कमाई से बना है, अगर तुम्हें
दिक्कत है तो जा सकते हो छोड़कर, मेरे जाने के बाद पेंशन तो बंद हो जाएगी ही। मैं घर भी किसी को दान दे दूंगा। पहली बार उनका ऐसा रूप देख दोनों को समझ आ गया कि अब उनकी साला की नहीं सलेगी। दिन से ही रीना ने सारे काम संभाल लिए और वाणी में भी मिठास आ गई। पारस जी का तनाव दूर हो चुका था, उन्हें अपनों से दूर भी नहीं जाना पड़ा था और इज्जत भी मिलने लगी थी।